सूरज पंचोली ने खोली सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई लड़ाई की पोल, कहा हम दोस्त नहीं बल्कि भाई की तरह थे। और क्या कुछ कहा है सुशांत के बारे में सूरज ने, चलिए आपको बताते हैं। सुशांत सिंह राजपूत और सूरज पंचोली को लेकर कुछ महीनों पहले ऐसी खबरें आई थी कि एक पार्टी के दौरान दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी। लड़ाई की वजह रिपोर्ट्स में साफ नहीं थी, लेकिन बताया गया था कि इस लड़ाई ने पार्टी में कई लोगों को चौंका दिया था। सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी मौत को सूरज पंचोली से जोड़ा जा रहा है। सूरज पंचोली ने अपने ताज़ा इंटरव्यू में इस लड़ाई और सुशांत के साथ अपने रिश्तों पर जुबान खोली है। सूरज ने बताया है कि वो सुशांत को एक सीनियर के तौर पर इज्जत करते थे और दोनों के रिश्ते बहुत सामान्य थे। सूरज पंचोली ने एक चैनल को दिया इंटरव्यू और इस दौरान उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि मैं और सुशांत दो बार मिल चुके हैं, हम दोनों के बीच कुछ खास बातचीत नहीं हुई थी। सुशांत के साथ मेरा रिश्ता काफी नॉर्मल था, हम दोनों के बीच किसी प्रकार की दुश्मनी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं और सुशांत एक दूसरे को भाई कहकर पुकारते थे, मैं उनसे छोटा था इसलिए एक सीनियर के तौर पर उन्हें मैं रिस्पेक्ट करता था। इतना ही नहीं, इस इंटरव्यू के दौरान सूरज पंचोली ने सुशांत के साथ अपनी पहली मुलाकात को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, मेरी और सुशांत की पहली मुलाकात शायद रामनगर की एक एक्टिंग क्लास में हुई थी, बाद में वो बहुत बड़े स्टार बन गए। इंडस्ट्री में जैसे दो कलाकार मिलते रहते हैं, मैं भी उनसे वैसे ही मिलता था। हम दोनों की दोस्ती एक पार्टी के दौरान हुई थी, सुशांत ने मुझे राब्ता की स्क्रीनिंग पर भी बुलाया था। वही सूरज पंचोली ने इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ वायरल होने वाली फेक खबरों पर भी बयान दिया है और कहा है कि मैं दिशा को बिल्कुल भी नहीं जानता, जो दिशा के साथ मेरी तस्वीर वायरल हो रही है वो यकीनन फेक तस्वीर है, यहाँ तक कि मैंने कभी दिशा सालियान का नाम भी नहीं सुना है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही।